नमस्कार, आप देख रहे हैं जीई न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मोतीपुर देवरिया एनएच पर खड़े हैं और सिरसिया में हम उपस्थित हैं अभी, और जिस खबर को हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसे बहुत गौर से देखिएगा। आपके होश उड़ाने वाले खबर को हम दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज जिस खबर को दिखाने जा रहे हैं वह खबर है बिहार के खूनी सरकार की नियत और खूनी सरकार की बनाई गई विधि व्यवस्था और भ्रष्ट व्यवस्था को हम उजागर करने जा रहे हैं, बल्कि उसका पोल खोलने जा रहे हैं। और खूनी सरकार हम क्यों कह रहे हैं उसको भी हम बारीकी से अपने दर्शकों को सुनाएंगे, समझाएंगे। कारण क्या है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और चरम सीमा पर इस तरह से है आम जनता त्राहिमाम कर रहा है, और त्राहिमाम इसलिए कर रहा है कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। मामला क्या है उसको गंभीरता से बताएंगे। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यह सड़क पर, ये आप सामने देख रहे होंगे जो बिजली खंभा कैमरे में आ गया, ये जो सड़क पर रहा हमें, देखिए सड़क का ये जो मार्का है, ये लास्ट बॉर्डर यहाँ पर है हमारे पैर के पास। यहाँ पर सड़क की सीमा खत्म होती है, जबकि बिजली के खंभा जो बगल का है वो देखिए, बिजली का खंभा कहाँ है और ये बिजली का खंभा कहाँ है। ये बिजली का खंभा सड़क के बीचों बीच है। सवाल तब खड़ा होता है कि यह बिजली का खंभा एक नहीं, इस तरह का इस रोड पर अनेकों बिजली का खंभा है, और न जाने कितनी जान ये खंभा ले चुकी है। ये खूनी खंभा है, और खूनी खंभा किसका है, बिजली विभाग ने इसको लगाया है। खूनी खंभा हम इसे क्यों कह रहे हैं, खूनी खंभा इसलिए कह रहे हैं कि इस रोड पर न जाने कितने युवा मोटर बाइक दुर्घटना, अनेकों वाहन दुर्घटना से मारे जा चुके हैं। और वह कैसे हुआ है, एक घटना होता क्या है कि रात में रिमझिम बारिश हो, कुहासा हो, या किसी की हेडलाइट की बत्ती खराब हो गई हो, और वैसे में वो व्यक्ति अनजान है, और वो आएगा और धाम से जो है इस खंभे पर लगेगा, और वह जो है दो टुकड़े में बट जाएगा। यह मामला यहाँ सीमित नहीं होता है, इसको बनाने वाला, ये जो सड़क जो है पक्कीकरण होने के बाद इस बिजली के खंभे को यहाँ पर गाड़ा गया है, इसको बनाने वाला वह इंजीनियर नहीं, वह एक नंबर का गधा था, और दूसरा गधा वो था जो इसको देखे बिना और बिजली का कनेक्शन चालू कर दिया, और तीसरा गधा वो लोग हैं कि जान रहे हैं और इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों की जान जाए। अभी हाल फिलहाल में एक सिरसिया इधरी का एक बच्चे का बिजली के खंभे से टकराने से मृत्यु हो गई। उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल थी, और उसके गम में उसके लगभग हजारों साथियों ने मोतीपुर में कैंडल मार्च भी किया, और उसका जान कैसे गया तो ऐसे खूनी खंभों से टकरा कर गया। इस तरह की जो खंभे हैं, ये जो खंभा है, अब आप मान सकते हैं कि 30 मीटर की दूरी पर जो है ये रोड है, ये 30 फीट की दूरी पर रोड है, लेकिन यदि यहाँ की बात हम करें तो यहाँ से ये रास्ता जो है मात्र जो है 15 फीट एरिया बच गया, और 15 फीट एरिया के अंदर जब डबल वाहन का आना जाना होगा तो डबल वाहन में, और बहुत सारे लोग आज के जो नए युवक हैं वह कैसे गाड़ी चलाते हैं डायरेक्ट, इसमें टकराने की पूरी संभावना है। इस रास्ते से मंत्री भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं, सांसद भी जा रहे हैं, और कुछ गोदी मीडिया जिसे हमारे समाज कहती है वो भी जा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसी समस्याएँ नहीं है। ये खंभा एक समस्या नहीं है, बल्कि इस सड़क के ऊपर बीचों बीच जो है कई बिजली के खंभे हैं, और मैं उस उतारे खंभों को दर्शकों को दिखाऊंगा ये घटना क्यों घटती है। तमाम लोग हमारे यहाँ, एक मिनट रुके, इधर आइए, ये लोग हैं, यहीं के लोग हैं। ये बिजली का खंभा जो रोड पर है बीचों बीच में, इससे दुर्घटना कई बार हुई है। हाँ जी हाँ, हाँ? हो गया। ये रोड में कितना खंभा है ऐसा? रोड के ऊपर है। हाँ। अभी जो एक लड़के की जो खंभे से टकराने से मौत हो गई, हाँ। उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, और ना ही इस व्यवस्था पर आवाज उठा रहा है जहाँ पर इनको मर्जी किया। हाँ। देखिए हमारे सामने यही के ग्रामीण है, यही घर है आपका? हाँ, ये ऐसे बिजली का खंभा रोड पर कितना है, कस के बोलिए बहुत है। हाँ जी। और कई बार दुर्घटना हुई है? अभी भी हुआ है। कितना दिन पहले? हाँ, हफ्ता लगी है। हफ्ता दिन? हाँ। कौन, कैसे हुआ? मोटरसाइकिल से हुआ? मोटरसाइकिल से। वो जो लड़का मरा वही का? ये देखिए तमाम लोग गवाह, मैं तमाम भ्रष्ट व्यवस्था और नीतीश कुमार जी इसका जिम्मेदार मैं आपको ठहरा रहा हूँ।
मैं आपको इसलिए ठहरा रहा हूँ, इसलिए ठहरा रहा हूँ कि अगर आप चाहते ना तो बिहार की विधि व्यवस्था एक दिन में सुधर जाएगी, लेकिन आपके होते हुए भी बिहार की विधि व्यवस्था अगर नहीं सुधर रही है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। बिजली बोर्ड जो है हर महीने लोगों से पैसा लेता है, यहाँ तक कि कौन बिल भरा है कौन नहीं बिल भरा है उसके पास भी जाते हैं, प्लांटी के साथ पैसा लेते हैं। क्या बिजली बोर्ड के ऊपर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसको मुआवजा नहीं देना होगा और इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये एक खंभा नहीं है, इस रोड पर हजारों ऐसे खंभे हैं और अगर इस खंभों को यदि गाड़ा जाए तो इस खंभे की यहाँ आएगा ये, इस जगह पर यह खंभा नियमता होना चाहिए, रोड के किनारे होना चाहिए, लेकिन रोड पर यह खंभा है और यही खंभा नहीं, अनेकों खंभा जो है रोड पर है और इसके जिम्मेदार जो है आप हैं। और मैं खुद ही सरकार आपको इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि आपके कारण न जाने इस एरिया के कितने बच्चों की जान जा रही है और इस पर जरा भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो पत्रकार इसका आवाज़ उठाता है उसी को जो है FIR करके अंदर कर दिया जाता है और ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यहाँ के जो विधायक है घर घर घूमते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसको ये समस्या नहीं दिखाई देती है। यहाँ के सांसद जो है घर घर घूमते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसको ये समस्या नहीं दिखाई देती है। यहाँ के मुखिया जो है घर घर घूमते हैं लेकिन उनको ये समस्या नहीं दिखाई देती है। ये तमाम लोग जो है ना खूनी व्यवस्था में शामिल है और जिन 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 बच्चों की जान जा रही है, क्योंकि उनके बच्चों की जान नहीं जा रही है। और ये घटना जो है किसी के साथ हो सकता है, कुहासे के टाइम पर और ज़्यादा हो सकता है, और इस दुर्घटना में मारे गए लोगों से उसकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। आप दर्शकों से मैं कहूँगा कि आप अगर इस खबर से संतुष्ट हैं तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे लगे कि नहीं इस मुद्दा पर हमने जो आवाज़ उठाया है कितना सही और कितना गलत है। आप देख सकते हैं कि सीधा जो है यहाँ पर ये खंभा, ये बिजली का जो ये बना हुआ यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे बीच सड़क पर ये जो है बिजली का खंभा लगा हुआ है। 30 फीट के जो रोड है इसको 15 फीट बना दिया गया है और ये गधे इंजीनियरों का कमाल है, खास करके विद्युत बोर्ड के से जो निर्मित गधे इंजीनियर हैं उनको ये समझ में नहीं आया कि हम इसको कहाँ लगाएं। ये सड़क की ज़मीन को ये लोग कब्जा करके जो है विद्युत सप्लाई दे रहे हैं, इनको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए ऐसे कार्य के लिए। पूरे रोड की यही परिस्थितियाँ हैं और रोज़ आए दिन घटना घटता है। हमारे साथ जो है इसी विधानसभा के विधायक प्रत्याशी संतोष कुमार जी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर। देखिए ये देवरिया से सिरसिया रोड है, हाँ। हम लोग यहाँ अभी रोड पर उपस्थित है, हाँ। आए दिन लगभग हमारे नज़र में 10 से 15 लोग यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, हाँ। भाई हम अभी तक ले यहाँ का स्थानीय विधायक, हाँ। जो सांसद आए दिन बराबर जरूर जाते आते हैं, हाँ। वो उनको ये चीज़ ध्यान नहीं है, हाँ। इसलिए गरीब का बच्चा मर रहा है, हाँ। उनका बच्चा तो मर नहीं रहा। पब्लिक को तो आवाज उठाना चाहिए ना इस व्यवस्था पर। बिल्कुल पब्लिक, हाँ। बिल्कुल मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबको यदि 1 से 2 महीना में पोल नहीं हटती है तो हम लोग कुबरा आंदोलन करेंगे इसके लिए। हाल ही कुछ दिन आपको 2-4 दिन पहले मोतीपुर का एक लड़का था सन्नी कुमार, हाँ। इसी पोल इसी रास्ते में आगे पोल है सिरसिया में, हाँ। उसमें एक्सीडेंट कर गए, हाँ। फिर भी देखिए यहाँ ना बिहार सरकार का मतलब है, ना स्थानीय विधायक का मतलब है, हाँ। ना सांसद का मतलब, उसे कोई मतलब तो नहीं। आप लोग किस चीज का सामाजिक नेता है, चुनाव लड़ते हैं, जो जीत गए है उसको तो विधानसभा कुर्सी मिला तो पैसे के दम पर जीत गया। बिल्कुल, लेकिन आप लोग तो पैसे सामाजिक आदमी। आपको कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस कार को बहुत जल्द से जल्दी पोल का मैंने हटवाने का काम करूंगा, रोड से उधर हलवाने का हम काम करूंगा। पूरे परिस्थिति है तो फिर काफी नहीं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, हाँ। जब से 2 से 3 दिन में आवेदन लिखो विद्युत करा लगे। मैं बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव से कहना चाहता हूँ, हाँ। कि हम भी यादव परिवार से हैं, बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, हाँ। आप बहुराज विधानसभा क्षेत्र का स्थानीय विधायक है, हाँ। उसको कहिए, हाँ। जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे, हाँ। इस पोल को रोड के बीच में है, हाँ। जो किनारे रखा जाए, नहीं तो काफी हमारे सामने ये हुआ लोग आ रहा है, ये जो पूरे बिजली का खंभा जो रोड पर है इस पर क्या कहेंगे? खंभा जी तो कोई बार एक्सीडेंट हो गया, इधर थोड़ा सा कैमरा मैन लाइए सामने, क्या कहेंगे? खंभा से कोई बार एक्सीडेंट हो गया, आदमी मरा भी है? नहीं मरा तो नहीं है, लेकिन घायल बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे आए दिन जो घटना घट रही है और ये जो खंभा जो यहाँ पर गाड़ा जा रहा है, क्या विधायक की नजर यहाँ पर नहीं पड़ रही है, क्या सांसद की नजर नहीं पड़ रही है?
किस किसकी नजर नहीं पड़ रही है घटना पर? आपकी पड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे गरीब का बच्चा मर जाए, लड़कर कोई बात नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं उसको। और ये जो है ये कौन इंजीनियर का कमाल है, इसको इस इंजीनियर को क्या कहेंगे, कौन सा पुरस्कार देंगे इसको? तिरस्कार के लायक है, इसको क्या कहेगा, गधा नंबर वन की गधा नंबर टू, जितना नंबर होगा गधा का वो सब दे दीजिए, सारा गधा का नंबर दे दीजिएगा ना। आखिर ये जो बना हुआ है ये इसको बनने के बाद तो जेई यानी इंजीनियर को निरीक्षण कर रहा है ना कि सही है कि गलत है, और उसके बाद में ये लाइन दौड़ाना है जी। हाँ, इसका मतलब ये है कि लाइन दौड़ाने वाला भी गधा, और इसको गाड़ने वाला भी गधा है, और इसको पास करने वाला भी गधा है, और इसके फंड के साथ जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, अगर ये खंभा निकाला जाए बिजली का तो पूरे रोड के उधर चला जाएगा। यहाँ हम भी गिर रहा है, ये रोड का पोजीशन है, और देख सकते हैं आखिर जब हम न्यूज कवर करने में रोड पर गिर रहे हैं तो आम आदमी की क्या पोजिशन होगी। और सुशासन बाबू, आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार कितनी अच्छी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव कटिहार।